अरविंद केजरीवाल के प्रिय मित्र कुमार विश्वास फिर आए सामने, मचा बवाल। जी हाँ, आपको बता दें कि कुमार विश्वास कविताओं और अपनी हाजिर जवाबी के लिए माने जाते हैं, लेकिन किसी समय में उन्होंने आम आदमी पार्टी के माध्यम से राजनीति में भी कदम रखा था, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से अनबन के बाद उन्होंने अलग राह चुन ली। तभी से वे इशारों इशारों में सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में जब एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में उनके सामने सीएम केजरीवाल का जिक्र किया गया तो उन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उनकी दोस्ती और उनके बीच आई दूरी पर आज तक बात होती है। वहीं इसको लेकर कुमार विश्वास ने कहा कि अभी तो मैंने 0.001% ही बोला है, लेकिन मैं सबूत होते हुए भी बहुत सारी बातें इसलिए भी नहीं बोलता हूं क्योंकि इससे किसी राजनीतिक दल का फायदा तो हो जाएगा लेकिन जनमानस की चेतना का बहुत नुकसान हो जाएगा। वहीं कुमार विश्वास ने बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया के जेल में होने और उनके परिवार से संपर्क के सवाल पर कहा कि जिन्हें इश्क हुआ है वो जानते हैं कि जब पहला और सच्चा इश्क फेल होता है वो आदमी बहुत दिन तक रोता है, बहुत दिन तक उसे उस दिन की याद आती रहती है और वो खरोच उसके चेहरे से कभी नहीं हटती है। मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है, पहली क्लास से लेकर शादियां होने तक, बच्चे होने तक, एक दूसरे के बच्चों को अपने साथ रखने तक हम साथ थे। उसके बाद ये दिन देखना और सुनना मेरे लिए कष्टदायी है और मुझे लगता है कि ये स्थायी कष्ट है, इसका निवारण ईश्वर कैसे करवाएगा मुझे नहीं पता। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।